आज की जो एग्जीबिशन है ये हमारे फाउंटेन हाउस के मेंबर हमायूं साहब की काविश है। हमने देखा है कि जो मेंबर पेंटिंग्स कर रहे होते हैं उनकी जहनी हालत भी डिपिक्ट हो जाती है, ये पता चल जाता है पेंटिंग से कि उनकी बीमारी का कौन सी स्टेज है। और ख़ास तौर पे ये आज की जो नुमाइश है हमायूं साहब की, ये जाहिर करती है कि ये मेंबर या ये मरीज़ जिनको शाइजोफ्रीनिया होता है ये कुछ भी कर सकते हैं, कि जब से ये पेंटिंग्स में शामिल होना शुरू हुए उनमें एग्रेशन ख़त्म हो गई है, गुस्सा ख़त्म हो गया है। गालिबन ये पहली बार है कि किसी आर्ट इंस्टीट्यूशन की गैलरी में एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के वन मैन शो उसके काम का हो रहा है। जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग है वो ये है कि इसमें जो उनके एक्सप्रेशन की तुंदी है, उनके उसके एक्सप्रेशन की जो प्योरिटी है वो बहुत ही हैरतअंगेज़। ये काम कुछ इस किस्म का है जैसे कि एक्सप्रेशनिज्म का काम, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म का काम होता था, जिन आर्टिस्ट को दुनिया में बहुत बुलंद मकाम दिया जाता है उनके काम से बहुत हद तक ये मुमासिल है। एक पासे अल्लाह नाम लिखिया, दूसरी पासे मोहम्मद नाम लिखिया, ऐसा होता ना जी, अल्लाह मोहम्मद नाम लिखिया। मैं बस ख्याली तस्वीर रंगा की वजह रंग थे करिश्मा साजी जी करिश्मा, हाँ जी करिश्मा साजी या अपना, हाँ जी करिश्मे चश्मे चश्मे जी पानी छानी। इस तरह तस्वीर में पसंद कर गया बारह लिया लगे तस्वीर तो खाना पीना बड़ा घट सो तस्वीर हर वे मेरा कम एह हो कम नहीं सी तस्वीर लिया लिया मैं बारह शहरों दुकान में तस्वीर लिया के तो पहले जहाँ लड़किया दियाँ तो मुंडे, हाँ जी मुंडिया लड़किया तस्वीर लिया लगे तो मैं चंगे लगते सन। जो मैं थक गया हाँ जी लड़किया मुंडिया की तस्वीर लिया लगे तो वो पैसे जो आ जाओ हाँ जी अपने देंदे सन, मैं अपने घरों घरों शहरों देते सन तो लिया वह, हाँ जी इस तरह मैं करके ना जो तस्वीर लिया लगे फिर थका तो मैं फिर बुजुर्गों की शुरू कर दी।